press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद, आप देख रहे हैं जीएस फोरम और मैं हूं विवेक मिश्रा। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा का संगठन कैसे होता है, कितने सदस्य उसमें हो सकते हैं, आर्टिकल 79 और आर्टिकल 81 लोकसभा और संसद के बारे में क्या कहता है, इन सभी बातों की जानकारी हम लोग ले लिए थे। आज की क्लास की हम इन चार महत्वपूर्ण आर्टिकल से करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से सवाल अक्सर आपसे पूछा जाता है और इस आर्टिकल को सही करने में अक्सर आप गलतियां कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आर्टिकल 330, 31, 32 और 33, हम इन चार आर्टिकल की बात करेंगे। इसको याद करना है कैसे आपको? अब शुरू के दो आर्टिकल में आप लोकसभा लिख दीजिए। शुरू के दो आर्टिकल में आपको लिखना है लोकसभा और लास्ट के दो आर्टिकल में आपको लिखना है विधानसभा। यहाँ पर भी विधानसभा। अब उसके बाद आपको लिखना है शुरू वाले आर्टिकल में एससी एसटी, उसके बाद एंग्लो इंडियन, फिर उसके बाद एससी एसटी और फिर उसके बाद लिखना है क्या? एंग्लो इंडियन। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद शुरू के दो आर्टिकल में आपको लिखना है, शुरू वाले आर्टिकल में लिखना है आरक्षित सीट। एससी एसटी के लिए क्या है? ये आरक्षित सीट है। अब जहाँ जहाँ पर एंग्लो इंडियन लिखा है यहाँ पर आपको लिख देना है राष्ट्रपति और दूसरे वाले पर क्या लिख देना है? राज्यपाल। तो इस प्रकार से ये जो चार आर्टिकल हैं आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या है। रटना इसमें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान रखें कि 330, 31, 32 और 33 हैं। शुरू में हमने दो में लोकसभा लिखा है और लास्ट के दो में हमने विधानसभा लिखा है। फिर एससी एसटी एंग्लो इंडियन, एससी एसटी एंग्लो इंडियन, उसके बाद आरक्षित सीट है, फिर राष्ट्रपति है, फिर आरक्षित सीट और उसके बाद राज्यपाल है। अब जहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल लिखे हैं, अब हमको ये डिसाइड करना है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है आर्टिकल 331 के तहत। तो आपका जो जवाब होना चाहिए, यहाँ पर दो सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और अगर हम लोग विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्यों का नॉमिनेशन करता है। इस प्रकार ये जो चार महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें, इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति लोकसभा के लिए सदस्य बनना चाहे तो हमें कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहली चीज़ आप जानते हैं कि कोई भी चुनाव की अगर बात होती है तो चुनाव वाली कंडीशन जो होती है ये एक राजनीतिक अधिकार है, पॉलिटिकल राइट है। तो यहाँ पर जो योग्यताएं या अयोग्यताएं दी गई हैं वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास ही है। तो पहली चीज़ जो सामान्य योग्यता दी गई है उसके बारे में बात करते हैं और फिर उसके बाद जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत जो कुछ योग्यताएं और अयोग्यताएं दी गई हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली जो सामान्य योग्यता होनी चाहिए वो ये होती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ये भारत का नागरिक किसी भी प्रकार से भारत का नागरिक हो सकता है, चाहे वो नागरिकता प्राप्त करने की किसी विधि से होता हो। उसके बाद जो दूसरी योग्यता है कि उसके पास न्यूनतम उम्र की आवश्यकता होती है। तो अगर वो लोकसभा की बात कर रहे हैं तो उसे 25 वर्ष तक
और अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो उसके लिए 30 वर्ष का होना आवश्यक होता है। ये दो बातें कंफर्म हो गई। उसके बाद जो तीसरी बात है कि संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए, माने कि संसद जिन योग्यताओं को डिसाइड कर दे वो सारी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। ये बात कौन क्या है सामान्य योग्यता के अंतर्गत आता है। इसके बाद अब जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत भी कुछ विशेष योग्यताओं का प्रावधान किया गया है, और उन योग्यताओं में आप जानते हैं कि पहली चीज़ दी गई है मतदाता के बारे में। तो मतदाता के बारे में क्या है कि माने जो कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, यानी कि उम्मीदवार जो है वो भारत के संघ या राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी मतदाता होना चाहिए, यानी कि उसका नाम निर्वाचन नियमावली में होना चाहिए, नामांकन उसका होना चाहिए एक मतदाता के रूप में। तो पहली योग्यता हो गई भारत के संघ या राज्य क्षेत्र में उसे एक पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्यसभा के लिए, हालांकि बात हम लोग आगे कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए ये पहले आवश्यक था कि वो चुनाव वहीं से लड़ सकता है जहां से वो मतदाता है। तो इसमें क्या हुआ था, चूंकि राज्यसभा जो है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है तो इसलिए उसे वहीं का होना आवश्यक था। लेकिन वर्ष 2003 में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया कि अब कोई भी सदस्य चुनाव अगर लड़ना चाहता है तो उसको केवल और केवल मतदाता होना चाहिए। किस क्षेत्र से है, कहां से है, संपूर्ण भारत में कहीं से हो वो चुनाव लड़ सकता है। और 2003 में इस बाध्यता के समाप्त किए जाने के बाद 2006 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को भी पूरा सही बताया था, माने कि अब अगर कोई लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है या राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो केवल भारत का मतदाता होना चाहिए, वो कहीं से भी मतदाता हो वो चुनाव लड़ सकता है। अब जो दूसरी बात आती है कि आरक्षित सीट पर चुनाव कौन लड़ता है, तो आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने की जो व्यवस्था बताई गई है वो ये है कि अगर कोई SC या ST, अब जरा याद करिए कि ये किस आर्टिकल में है, लोकसभा में आरक्षित सीट SC ST के लिए किस आर्टिकल में है। तो हमने आपको क्या बताया था कि पहले आपको 330 लिखना है, फिर 331, फिर 32, फिर 33, और उसके बाद हमने कहा था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, SC ST, माने कि 330 आर्टिकल के तहत SC ST के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर जो SC ST के लिए आरक्षित सीटें हैं उस पर ये आवश्यक है कि यहाँ का जो उम्मीदवार होगा, यहाँ का जो उम्मीदवार होगा वो निश्चित रूप से SC ST कैंडिडेट ही होगा, ये बाध्यता बताई गई। लेकिन अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो वो सामान्य सीट पर भी ये चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई मनाही नहीं की गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या इसके लिए अयोग्यताएँ बताई गई हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति लाभ के पद पर हो तब उसको हम चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है, लेकिन लाभ के पद के अंतर्गत संसद के द्वारा बनाया गया मंत्री का पद, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो संघ का हो, वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। दूसरी बात है कि वो पागल या दिवालिया, चित्त विकृत नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये भी एक अयोग्यता है। इसके बाद
अगर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव लड़ना एक पॉलिटिकल राइट है, और जब उसकी नागरिकता नहीं रही तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद संसद की अन्य विधि के द्वारा अगर कोई अयोग्यता बताई जाए तब वो भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अब जो अन्य योग्यताएं हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत, उसमें है कि चुनावी अपराध या भ्रष्टाचार हो, निर्धारित समय में चुनावी खर्च का ब्यौरा न दे पाए तब भी वो अयोग्य हो जाएगा, सरकारी ठेकों में अगर वो दिलचस्पी रखता है तब भी अयोग्य हो जाएगा, किसी सरकारी निगम में प्रबंध मैनेजर अगर होगा वो तब भी, यानी कि सरकार का उसमें 25% हिस्सेदारी हो, और सामाजिक अपराधों में संलिप्त हो, माने कि दहेज है, छुआछूत है, अगर इस तरह के सामाजिक अपराधों में संलिप्त पाया जाता है तब भी उसकी योग्यता क्या होगी, समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में इतनी योग्यताओं और अयोग्यताओं की बात कही गई है। ये भारत है, आप बिल्कुल इसको सीरियसली मत लीजिएगा, केवल आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके पढ़ने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि इनमें से अगर आप देखेंगे तो भारत में सब कुछ जायज़ होता है, और अगर आप भी चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो इतनी सारी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और अगर आप चाहें इनमें से इतनी योग्यताएं अगर आप धारण करते हैं तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयोग्यता की बात आती है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता। आप जानते होंगे कि अगर हम लोग बात करें कि किस अनुसूची में इसका प्रावधान है, तो संविधान की 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है। लेकिन जो अयोग्यता के दल बदल के आधार पर अयोग्यता का बात है, तो उसके लिए किसी, पहला तो एक सवाल है कि किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन लेता है, तो ये राष्ट्रपति लेता है, लेकिन चुनाव आयोग के सलाह के साथ लेता है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर यही है कि अगर बात दल बदल के आधार पर आ जाए कि दल बदल के आधार पर कौन अयोग्य घोषित करेगा, तो बहुत क्लियर कट आप समझिए कि अगर दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करना है और वो सदस्य अगर लोकसभा का है तब कौन करेगा, वहाँ का स्पीकर करेगा, और अगर ये राज्यसभा का है तो कौन करेगा, सभापति करेगा। तो इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता और अयोग्यता क्या होती है, ये सारी बातें हैं, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। और लोकसभा के लिए किसी भी एजुकेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है, सामान्य रूप में आप समझते हैं कि कोई भी पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो चुनाव लड़ सकता है, तो आप भी किस्मत आजमा सकते हैं। दल बदल पर क्या अयोग्यता होती है, इसकी बात हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।